क्या आप लोग जानते हैं कि शुरुआती समय में इंसान जानवरों का शिकार नहीं कर पाते थे। उस समय वे लोग स्कैवेंजर हुआ करते थे, यानी कि इंसान दूसरे जानवरों द्वारा शिकार किए गए जानवरों के मांस को इकट्ठा करते थे और उन्हें खाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना सीख गए और फिर इसके बाद से वे लोग शिकार करने लगे। और वर्तमान समय में तो शिकार करना सर्वाइवल से ज्यादा एक खेल बन चुका है, जहां ट्रॉफी हंटिंग के लिए लोग जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अब भी कई ऐसे ट्राइब के लोग मौजूद हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से शिकार करते हैं, यानी कि ये लोग शिकार करने के लिए पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग शिकार करने में इतने माहिर होते हैं कि ये लगभग हर तरह के जानवरों का शिकार कर सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद है जिनके बारे में सुनकर आपको इन पर यकीन नहीं होगा कि ये लोग आखिर इन जानवरों का शिकार कैसे करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान बिना किसी बंदूक का इस्तेमाल किए हाथी का शिकार कर सकता है? या फिर क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि कुछ लोग सिर्फ भाले का इस्तेमाल करके शेर का भी शिकार कर लेते हैं? अगर आपको इनमें से किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्राइब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हाथी और शेर जैसे खतरनाक और विशाल जानवरों का शिकार करते हैं, वो भी बिना किसी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं तंजानिया में रहने वाले हेडजा लोगों के बारे में। दोस्तों, पोर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर है जिससे हमेशा दूसरे जानवर दूर ही रहते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। ये कांटे इतने खतरनाक होते हैं कि शेर जैसे शिकारी जानवर भी इनका शिकार नहीं करते। लेकिन तंजानिया में रहने वाले हेडजा लोग ज्यादातर पोर्क्यूपाइन का ही शिकार करते हैं। पोर्क्यूपाइन अक्सर बिल के अंदर छिपे रहते हैं, इसलिए जब ये लोग शिकार पर निकलते हैं तो ये सबसे पहले पोर्क्यूपाइन के बिल को ढूंढते हैं। जब इन्हें कोई बिल मिल जाता है तो ये उसके अंदर एक छड़ी डालकर ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई पोर्क्यूपाइन है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि उस बिल के अंदर कोई पोर्क्यूपाइन मौजूद है तो ये उस बिल के सामने खोदकर उसे चौड़ा कर लेते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होता कि पोर्क्यूपाइन अपने कांटों से उनके चेहरे पर हमला कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोर्क्यूपाइन के कांटे कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने हाथों से पोर्क्यूपाइन को पकड़कर बिल में से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर पोर्क्यूपाइन को पकड़ने में इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नुकीले भाले का इस्तेमाल करके उसे मार देते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन कई बार ये बिल के अंदर घुसकर पोर्क्यूपाइन के पोजीशन का पता लगाते हैं और फिर बाहर निकलकर किसी दूसरे साइड से गड्ढा खोदकर पोर्क्यूपाइन को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये लोग आखिर पोर्क्यूपाइन का शिकार करते ही क्यों है? क्योंकि जंगल में दूसरे और भी जानवर मौजूद है जिनका शिकार ये लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, पर इन लोगों के अनुसार ये अब पोर्क्यूपाइन का शिकार करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं और ये लोग उन्हें पकड़कर आग के ऊपर पकाकर खाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ट्राइब के बारे में बताता हूँ जो शिकार करने के लिए किसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, और इस ट्राइब का नाम है इरुला। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग ज्यादातर जहरीले सांपों को ही पकड़ते हैं। ये लोग सांपों को इनकी कीमती जहर को हासिल करने के लिए पकड़ते हैं, क्योंकि इन्हें दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग अक्सर ग्रुप में सांपों को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले भी सांपों को पकड़ते हैं। ये सबसे पहले सांपों के बिल ढूंढते हैं और फिर ये एक छड़ी की मदद से उस बिल के अंदर हलचल करते हैं, और थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद बिल के अंदर में से सांप बाहर निकल आता है और तब ये लोग उस सांप को पकड़कर बैग में डाल देते हैं। इस तरह से ये लोग एक दिन में कम से कम 15 जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। आपको बता दूं कि ये लोग ज्यादातर किंग कोबरा को ही पकड़ते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। ये काम बहुत ही रिस्की होता है और कई बार एक अनुभवी इंसान को भी सांप काट लेता है, लेकिन उन्होंने इसका भी इलाज ढूंढ के रखा है जो ये लोग खुद पत्तों और जड़ों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब तक हमने जिन लोगों के बारे में जाना, ये लोग तो बस पोर्क्यूपाइन और सांप जैसे छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ट्राइब के बारे में बताता हूँ जो जंगल के राजा शेर का शिकार करता है, और ये ट्राइब है अफ्रीका में रहने वाला मसाई ट्राइब। आपको बता दूं कि मसाई लोग ऐसे ही किसी शेर का शिकार नहीं करते, बल्कि ये लोग शेर का शिकार तब करते हैं जब कोई शेर इनके इलाके में घुस आता है या फिर उनके पालतू जानवरों के ऊपर हमला करता है, क्योंकि मसाई लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और इन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। इसलिए ये लोग किसी भी हाल में अपने पालतू जानवरों को शेर से प्रोटेक्ट करते हैं। मसाई लोग ग्रुप में शिकार पर निकलते हैं और ये लोग शेर को मारने के लिए नुकीले भाले का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग शेर का शिकार करने के लिए कई बार ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं जहां शेर उन तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये अक्सर सामने से आकर शेर पर हमला करते हैं। ये लोग अपने हाथों में भाले को लेकर चिल्लाते हुए शेर की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और शेर भी उन्हें देखकर पीछे हट जाता है। अगर कोई शेर पलटकर हमला करता भी है तो ये लोग तुरंत उसे
भाले से अटैक करके मार डालते हैं। मसाई लोग शेर को मारने के बाद उसे नहीं खाते, ये तो बस बदला लेने के लिए शेर का शिकार करते हैं। लेकिन ये लोग शेर के दांत, हड्डी और स्कल को अपने साथ ले जाते हैं, जिन्हें ये लोग पहनते हैं। पुराने जमाने में इंसान मेमत का शिकार किया करते थे, लेकिन हजारों साल बाद आज भी दुनिया में कई ऐसे ट्राइब के लोग मौजूद हैं जो हाथी का शिकार करते हैं। इस ट्राइब का नाम है पिग्मी ट्राइब और ये लोग हाथी का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग सिर्फ भाले का इस्तेमाल करके हाथी जैसे विशाल जानवर का शिकार करते हैं। ये लोग हमेशा एक ग्रुप में शिकार पर निकलते हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है कि किसी हाथी का शिकार करना एक अकेले इंसान के बस का नहीं। ये लोग सबसे पहले किसी हाथी को झुंड से अलग करते हैं या फिर एक ऐसे हाथी को ढूंढते हैं जो अकेला रहता है। इसके बाद उनमें से कुछ लोग हाथी का ध्यान भटकाते हैं और बाकी लोग उस पर भाले से अटैक करते हैं। ये लोग हाथी के कमजोर हिस्से जैसे पेट और टांगों पर वार करते हैं। ये लोग लगातार एक के बाद एक भाले को हाथी पर फेंकता रहता है, जब तक कि हाथी जमीन पर ना गिर जाए। आपको बता दूं कि कई बार इन्हें किसी हाथी को मार गिराने में कई दिनों का भी समय लग सकता है। इसके बाद ये लोग हाथी के स्किन और मांस को कई अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने ऐसे लोगों को देखा है जो शेर और हाथी का शिकार करते हैं, तो इस बात पर यकीन करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि कुछ ट्राइब के लोग बफेलो का भी शिकार करते हैं। ये लोग छिपकर बफेलो के आने का इंतजार करते हैं और फिर ये उनमें से एक बड़े बफेलो को झुंड से अलग करता है। लेकिन ये काम उन्हें बाकी बफेलो से बचते हुए करना होता है, क्योंकि बफेलो अपने साथी को बचाने के लिए शेर के साथ भी लड़ने को तैयार रहते हैं। इसलिए ये लोग अक्सर उसी बफेलो को चुनते हैं जो झुंड में सबसे आखिर में होता है। इसके बाद ये लोग अपने भाले से उस पर वार करने लगते हैं, जिससे कुछ ही देर में बफेलो की मौत हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में लोग मेमत का शिकार कैसे करते थे? क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई लोहे का हथियार नहीं था। वो लोग अपने भाले को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसके सामने एक नुकीले पत्थर को बांध देते थे, जिससे वो जानवर के स्किन को फाड़ सकता था। हालांकि इनका ये जुगाड़ छोटे जानवर जैसे हिरन और बकरियों का शिकार करने के लिए तो काफी था, लेकिन ये किसी मेमत के स्किन को भेद नहीं पाता था। इसलिए वे लोग मेमत का शिकार करने के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंगली जानवर अक्सर आग से डरते हैं और पुराने जमाने में लोग इसी चीज का फायदा उठाते थे। दरअसल वो लोग किसी मेमत को झुंड से अलग करके उसे भगाकर किसी पहाड़ी की छोर पर लेके जाते और फिर इसके बाद उसे आग दिखाकर डराया जाता, जिससे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता और आखिर में वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता। नीचे गिरते ही या तो उसकी मौत हो जाती या फिर वो बुरी तरह से घायल हो जाता। अगर वो घायल हो जाता तब लोग अपने भाले की मदद से उसके कमजोर हिस्सों पर वार करता और उसे मार डालता, और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके लोग दूसरे बड़े जानवरों का भी शिकार करते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक शेर और एक ब्लैक पैंथर के बीच लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई में कौन जीतेगा? ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।